दोस्त, आज IPL का 18वां मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर बेंगलुरु और पंजाब के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। टॉस हारकर पहले खेली बेंगलुरु की टीम और बेंगलुरु की शुरुआत खराब रही। फाफ डुप्लेसी 7 गेंदों पर 9 रन और विल जैक 7 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हो गई। उसके बाद मैदान पर उतरे रजत पाटीदार। उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर न सिर्फ बेंगलुरु की पारी को संभाला बल्कि बेंगलुरु का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की और बेहतर रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी में रजत पाटीदार 55 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंदों का सामना किया और 3 चौके और 6 शानदार छक्के लगाए। लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली एक तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 92 रनों की आक्रामक पारी खेली लेकिन शतक से 8 रन पहले आउट हो गई। उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के लगाए। आखिरी में कैमरून गिरिन ने 27 गेंदों पर 46 रन और दिनेश कार्तिक ने मात्र 7 गेंदों पर 18 रन बना दिए और बेंगलुरु का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। इस प्रकार बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए हैं और पंजाब को जीत के लिए 242 रनों का टारगेट दिया। पंजाब के लिए गेंदबाजी की बात करें तो विद्वत कोवीरप्पा ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए, जो कि आज अपना IPL का पहला मैच खेल रही थी। उनके अलावा सेम क्रैन ने और हर्षदीप सिंह ने 1 विकेट लिया और हर्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 38 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम किए। सो दोस्तों, इस प्रकार पंजाब को जीत के लिए 242 रनों का टारगेट मिला है। आपके अनुसार ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली। धन्यवाद।